कैसे बाबर भैया, फिर सरफराज ने जीत लिया ना नुमाशी मैच, हमारा होम ग्राउंड था कोटिया का, तो हम आपको कैसे जीतने देते। दो रन से जीता क्या नसीम शाह बॉलिंग के आखिरी ओवर में। हाँ सरफराज मियां, हमारे बल्लेबाजों से आखिरी ओवर में 6-7 रन नहीं बने। इधर देखो तुम्हारा चाचा इफ्तिखार आखिरी ओवर में 6 छक्के ठोके 36 रन बना गया। और तो और, हमारे बल्लेबाजों से आखिरी 5 ओवरों में उतने रन नहीं बने जितने चाचा ने अंतिम ओवर में 6 छक्के लगा के 36 ठोक डाले। वाह चाचा, इसी तरह अपनी फॉर्म को बरकरार रखना, आगे पाकिस्तानी टीम को आपकी बहुत जरूरत है। बाबर भैया आप टेंशन मत लो, देख लेना ये चाचा क्रिकेट क्या करता है। आपने चाचा क्रिकेट का नाम दिया था ना, लोगों ने चाचा नाम रख दिया सीधा सीधा। हमारा कोई बात नहीं, हमने कभी माइंड नहीं किया, अब देखना चाचा क्या करता है। अबे चाचा बस कर सत्यानाश, मेरा कर दिया, मेरे को तेरे पर बहुत गुस्सा है यार। अब बड़ी टीमों के खिलाफ भी मारना, पाकिस्तान आगे एशिया कप भी खेलेगा, ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलना, उधर नहीं मारे ना तेरी खैर नहीं है। अबे चुप कर बाब रियाज, तेरे पर मेरे को ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि तेरे को पता है जब मैं इतने छक्के लगा रहा हूँ, एक छक्का मेरा और लगना था, मेरा 100 हो जाना था शतक पूरा, लेकिन तू भूतनी के एक 9 बॉल क्यों नहीं किया मेरे को ये बता। ओ चाचा शर्म कर, 6 छक्के मार के हमारी इज्जत को मिट्टी में मला दिया, मैं पंजाब का वजीरे खेलूं, तूने शर्म नहीं की, अभी भी बोलता है 9 बॉल क्यों नहीं की, भूतनी के इतने रन बना लिए ये कम है क्या। वाह भैया सही तो कह रहा है, इतने छक्के खा लिए थे, तेरा क्या जाता था, एक 9 बॉल कर देता, गरीब का शतक पूरा हो जाता, लेकिन तू इतने छक्के खाने के बाद इधर क्यों बैठा है, हमारी टीम का प्लेयर है, हमारे साथ आगे बैठ। छोड़ यार अफरीदी भाई, इधर मैं नहीं आऊंगा, ये बाबर भाई मारेगा, लेकिन मेरा दोष नहीं है यार, तुम्हारे से आखिरी 5 ओवर में 37 रन नहीं बने, तुम्हारे बल्लेबाज पता नहीं क्या कर रहे थे, वो दानिश अजीज से 1 छक्का नहीं लगा आखिरी 2 ओवरों में। वाह भैया कोई नहीं मारेगा, चलो बैठे रहो, ये भी अपने ही प्लेयर है यार, एक ही देश के है हम, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बढ़िया खेला, बढ़िया कोशिश किया, मैं आउट हो गया, मैं आउट ना होता मैं तो आखिरी ओवर में 8 छक्के लगाता, चाचा से भी ज्यादा लगाने थे। अबे सब चुप करो, मेरी बात सुनो, इधर हमारी गेंदबाजी थी, हम कोटिया के DSP पुलिस में बने, तो हमने अपनी इज्जत बचानी थी, वाब की तरह बेइज्जती थोड़ी करानी थी, हमने 1 विकेट लिया आखिरी ओवर में, लेकिन रन नहीं बनने दिए। हाँ नसीम भैया, इधर बैटिंग में मेरे छक्के लगे हुए थे, उधर आपकी बॉलिंग ने कमाल किया, लेकिन अफरीदी भाई देखा जाए आपकी टीम हमसे मजबूत थी हर शोबे में, प्लेयर भी सीनियर थे, जूनियर भी थे, अच्छे नौजवान भी थे, फिर आपकी टीम हारी क्यों। चाचा कमाल का सवाल आपने किया, लेकिन हमारी टीम देखने में मजबूत थी, आपके पास बॉलिंग अटैक मजबूत था, नसीम शाह था, हुसैन था, इन्होंने भैया आखिरी 2 ओवर में कमाल कर दिया, हमारे पास गेंदबाजी थी लेकिन वो सीनियर गेंदबाज थे। हाँ फरीदी भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इनके पास यंग नौजवान बॉलिंग थी, नौजवान बॉलर थे, हमारे पास ये सीनियर थे, लेकिन अभी भी ये वाब रियाज कह रहा है हमको भैया वर्ल्ड कप खेलना, तो वाब भैया इसी तरह बॉलिंग नहीं चलेगी, छक्के नहीं खाने आगे ख्याल। बाबर भैया ये तो नुमाइशी मैच था, अब देखना असल मैच भी हमारा तुम्हारी टीम के साथ होगा, वाब रियाज उधर हमारे सामने आएगा गेंदबाजी करने, फिर देखना हम इसको 6 छक्के एक बार फिर लगाएंगे, जो रिकॉर्ड में भी गिनती होंगे। ओ चाचा यार ऐसे मत करना यार, किसी और गेंदबाज को ठोक लेना, हमारी टीम के खिलाफ ठोक लेना, लेकिन मेरी इज्जत का कुछ ख्याल कर लेना, ठीक है चाचू जी। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।